अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ मिलेंगी। भैया, कल मेरे घर चार पाँच बकरियों ममता बाई की घुस गई, गेहूँ डले थे ऊपर छत पे सूखने के लिए, तो वो खाए। तो मैं उनको बोलने गई कि जानवरों को बांध के रखो, या तो फिर उनको चराने फिराने घुमाने ले जाया करो, किसी के घर में नुकसान ना करना। अच्छी बात है, वो रोज आती है, ऐसा नहीं कि एक दिन का है, डेली ऐसा। बहुत सारे लोगों ने उनको शिकायत करी। जब मैंने कल शाम में उनकी बहू को ऐसा बोल के मैं घर आ गई, आज सुबह मैं मंदिर गई तो उसकी लड़की ने ना, उसकी माँ ने, और उन्होंने दो तीन ने मिलकर मेरे को मारा नहीं, तो मेरे सिर पे तीन चार डंडे मारे, यहाँ सिर सूजा हुआ है, या गला दबाया, नाखून उन लगे हुए हैं, और भी लगी हुई। पर आप क्या कपड़े उन्होंने बताओ कि मेरे को कहाँ कहाँ लगी है। अच्छा, आपके साथ कितने लोगों ने मारपीट की? दो ने, ममता भाई ने, बीनू भाई के हाथ में डंडा था, वो गाय उनको भगाने का। आपको चोट भी आई है? हाँ। क्या नाम है आपका? पूजा भाई। कहाँ पे रहते हो? चंपा तालाब। अच्छा, कब मारा आपको? आज सुबह। आज सुबह ही मारा बकरी? हाँ। आज सुबह ही घुसी थी आपके घर? कल शाम में आई थी, तो मैं बोलने गई थी उनके घर, तो बोले कि कल ही हम तेरे को मारते, हम घर नहीं थे। अच्छा, तो हमारा नुकसान कर दिया, और उसके बावजूद भी आप हमको ही मारोगे, ये कौन सी बात है? तुमने जानवर पाले तो घुमाने ले जाओ ना, जंगल में फिरा के ले आओ, बांध दो, किसी को तकलीफ अपने बदले से क्यों? हम तो नहीं तुम्हारे घर आते जाते हैं सब। मैं पहली बात भैया, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा मस्ती आई है, वो जो बीनू है ना, वो ऐसे बेटियों को घर में रखा है, तुमको ससुराल समझा बुझा के भेजो, दो बच्चे पैदा कर लिए आदमी को। पहले वो बच्चा भला 10,000 रुपये हर महीने की वो दे रहा था, क्या दे रहा था वो, बच्चों की खान पे खर्ची दे रहा था 10,000। तो उसने उसके बावजूद एक दूसरे आदमी को रख लिया ऐसे ही बिना शादी के, और उसको रखने के बाद तो वो आदमी को भी छोड़ छाड़ दिया, हस्बैंड ने उसको वो तनख्वाह देना बंद कर दिया। भाई, तुम्हें दूसरा आदमी रख लिया, मैं क्यों तेरे को दूँ? या तो फिर मेरे बच्चे मेरे को दे दे, मैं पाल लूँगा। वो बहुत बदमाश है, वो बहुत मस्ती आ गई है पूरे चंपा तालाब में। सोचती कि मैं हूँ ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसे क्या कमजोर लोगों को मारती फिरेगी क्या? अच्छा, आपने भी घर से अमीर है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा? नहीं, आपने भी शिकायत की कोतवाली में, क्या बोला आपको? कोतवाली में मैं सुबह 8 बजे भी आई थी, तब भी बोले कि तुमको कोई काम धंधा नहीं है, बोलेगी और तुम बोले सुबह से आठ के आके बैठ गए, तो हमको मारपीट करी तो ही आए कि हम बेजबन तो नहीं आए हमारे बच्चों। अच्छा, अभी आपकी शिकायत दर्ज कर ली? अब 2 बजे करी नहीं, तो सुबह 8:30-7:30 बजे उन्होंने मारपीट की। क्या चाहते हो? अब मैं तो चाहती हूँ कि उसकी माँ को ना, बीनू को मेरे घर का खर्चा भरे, और मेरा मंगलसूत्र जो 11,000 का था बिल मेरे पास है, वो आज सुबह टूटा है, तो पता नहीं कहीं गिर गया है, किसी ने उठा लिया, ये मेरे को नहीं याद है। हम मार्केट में उनने मारा था, हाथापाई में मैं मेरे बचाव के लिए कुछ करूँगी कि नहीं। अच्छा, आपका जो मंगलसूत्र टूटा था वो कितनी है, मतलब कितने रुपए का था? 11,840। आप ये चाहते हो कि वो मंगलसूत्र वो ला के दे? हाँ, और वो जो बकरियों ने जो 4-5 दिन में जो नुकसान करा, उससे तो बहुत बार घुसी है, पर वो भर दे, हमको कुछ नहीं चाहिए उनसे। बकरी ने कितना नुकसान कर दिया आपको? वैसे तो रोज आती है ना, तो 4-5 दिन से मैं गेहूँ सुखा रही हूँ, डेली आज एक दिन भगा दिया, 2 दिन भगा दिया, तो भाई रोज का मेरे घर में काम है कि नहीं, मैं क्या गेहूँ के पास तो बैठी रहूँगी, कब बच्चों को स्कूल भेजूंगी, घर लेके आऊंगी, दूसरा भी घर में खाना बनाना, बहुत सारा काम रहता है, क्या मैं गेहूँ के पास ही बैठी रहूँगी गेहूँ उनके? आपके साथ उन लोगों ने मारपीट की, उन अब क्या चाहते हो भाई? वो जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क, बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोपराइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड पदम नगर थाने के सामने रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268।